एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है इसमें, ये वाला आपका पूरा, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये थिक मेटल रॉड ओए है, यहाँ पर पिवटेड है, मतलब इसके अबाउट रोटेट कर सकती है। दूसरा एंड रॉड का इस सर्कुलर लूप को टच कर रहा है ए पॉइंट पर, सेंटर ओ एंड द फिक्स पॉइंट सी ऑन द लूप आर कनेक्टेड बाई ए वायर ओ सी ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। हाँ ना, देखो एक बार चेक करो, तो आपको इस ओ और सी के बीच में एक अलग से वायर कनेक्ट कर दिया बेटा, ऐसे ऊपर से, जो और कहीं कांटेक्ट में नहीं है, केवल ओ और सी के बीच कनेक्टेड है। अब मिडिल ऑफ द रॉड पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल एफ फोर्स। ए फोर्स इज अप्लाइड एट द मिडिल ऑफ द रॉड ओए परपेंडिकुलरली, रॉड के परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट द रॉड रोटेट्स क्लॉकवाइज एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिससे क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही। तो इसका ओमेगा मेंटेन करने के लिए कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा को कम करने वाला फोर्स कौन सा है, बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ इसमें घूम रहा है, याद है आपको प्रॉब्लम। उस वायर में हम क्या करते थे, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता था, बताइए भाई, याद हो गया क्या बेटा ये केस सबको, ये कई बार डील हुआ है। अगर आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स से मेंटेन नहीं रखोगे तो ये वेलोसिटी मेंटेन थोड़ी नहीं रहेगी इसमें, सेम इसमें। अगर आप इसको ओमेगा नॉट देके छोड़ दोगे थोड़ी देर बाद रॉड रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें करंट चलने लगेगी। देखो इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो जस्ट ये कनेक्टिंग वायर है, तो करंट की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। ईएमएफ कैसे लिखोगे, उसी से बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू है, ठीक है। तो ये बैटरी कितने की बन रही है, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू की बैटरी बन रही है। तो देखो आप इधर बना रखा है मैंने, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो इस तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अगर मैं पूछूं इसका इक्विवेलेंट सर्किट तो इतना सा है, क्योंकि ओ और ए, ठीक है, तो आप ए पूरा सेम पोटेंशियल पर है, तो आप इसको सी पर कनेक्ट कर सकते हैं सारे को एक तरह से, और बस ऊपर उनके बीच क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। ये जो रॉड घूम रही है ओमेगा से, कितने की बैटरी बनती है याद है सबको, मैं निकाल थोड़ी पाएंगे बेटा, इसलिए दो चीजें याद रखनी है, बी वी एल और बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है इन फार्मूले में, आयुष बताइए कुछ कह रहे हैं आप बेटा। नो सर, ओके, तो आपका ये मैग्नेट, ये ईएमएफ आ गया, तो स्मॉल, अब एक्स डिस्टेंस पर एलिमेंट ले लिया डीएक्स लेंथ का, ठीक है। तो जितना आपको जो फोर्स रोक रहा होगा, जो टॉर्क, उतना ही आपको एक्सटर्नल टॉर्क इसके अबाउट लगाना पड़ेगा। तो ओके अबाउट रोकने वाला टॉर्क कौन सा है, वही जो आपकी करंट चल गई है और आई एल क्रॉस बी आपका फोर्स आ रहा है, तो उस फोर्स का इसके अबाउट टॉर्क, ठीक है। तो आई करंट अगर इसमें चल रही है रॉड में, तो डी एक्स लेंथ पे जो एलिमेंट है इस पर फोर्स कितना होगा, आई डी एक्स इंटू बी होगा। और डायरेक्शन देख पा रहे हैं क्या आप इस फोर्स की, किधर चलेगा बताओ, कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा, ऐसे घुमा रहे, ठीक है। तो आपका ओ हायर पोटेंशियल पर होगा क्या, बोलिए। यस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में क्रॉस अंदर की तरफ है, तो बी क्रॉस बी इधर आ रहा है, तो वो हायर पोटेंशियल, नहीं उल्टा है, तो मैंने ये क्यों बनाया हायर पोटेंशियल, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, गलत कर रहे हैं, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक है। बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपका ए हायर पोटेंशियल पर है, तो ऐसे बैटरी बनेगी, देख लीजिए एक बार ध्यान से, गलती ना हो फिर से। बी वेक्टर इधर है, क्रॉस है, तो बी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ए हायर पोटेंशियल पर होगा इस इंस्टेंट पर, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, तो आपका ए की बैटरी इस तरह बन जाएगी। अब करंट आई एल क्रॉस भी देखो उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, एक बार आई एल क्रॉस करंट ओ से ए की तरफ चलेगा, तो ये आपका करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आई एल क्रॉस भी ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो स्क्रीन पे बहुत तेज प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस क्रॉस प्रोडक्ट पूरा स्क्रीन पे चलना है आपको, पेपर ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये आपका आई है, क्रॉस अंदर की तरफ जा रहा है, कर्ल करो फिंगर वहां पे, ये नहीं है कि आप अंदर जाके कर्ल कर लोगे, स्क्रीन पे सोच के ही करना पड़ेगा, सोचते ही तुरंत आना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। आई एल क्रॉस भी आपका ऊपर की तरफ, बात क्लियर है बताइए, ठीक है। तो ये डी एफ आ जाएगा इस पर, अब डी एफ का इसके अबाउट टॉर्क कितना आएगा, एक्स इंटू डी एफ, डी एफ की वैल्यू लिख दो आई डी एक्स इंटू बी, तो इतने से स्मॉल एलिमेंट पर इसके अबाउट टॉर्क आ रहा है, तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, जीरो से लेकर, ये टोटल टॉर्क निकल के आ गया आई पी ए स्क्वायर अपॉन टू, बताइए किसी को दिक्कत है क्या टोटल टॉर्क में।
आई बी ए स्क्वायर बाई टू टोटल टॉर्क निकल के आ गया, तो आप क्या करोगे? एक्सटर्नल फोर्स पूछा है आपसे, तो फोर्स कांस्टेंट ओमेगा के लिए नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, सेंटर पे लग रहा है फोर्स, तो एफ इंटू ए बाई टू टॉर्क आएगा इस कैपिटल एफ का, तो दिस एफ ए बाई टू विल बी इक्वल टू आई बी ए स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से फोर्स कितना आ गया आपका, आई बी इंटू ए फोर्स आ गया है, ठीक है। आई कितनी है, ई बाई आर, तो E कितना है आपका, बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन टू आर, वो यहाँ पर पुट कर दें, तो कितना आ गया, बी स्क्वायर ओमेगा ए क्यूब अपॉन टू आर आपका फोर्स निकल गया। अयान बताइए बेटा, मीटिंग आईडी पासवर्ड नहीं आता। अयान अब इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, बताइए अर्णव, कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर, बात क्लियर है एकदम? यस सर। कि आपका जो फोर्स है इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक फोर्स, उसका जो टॉर्क आ रहा है वो रॉड को रोकने की कोशिश करना है, अगर आपको ओमेगा मेंटेन रखना है तो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा के रखना पड़ेगा। इतनी सी बात थी इस प्रॉब्लम में, और कोई बात नहीं, ठीक है। डायरेक्शन वायरेक्शन ध्यान से देंगी, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस तरह के काफी प्रॉब्लम बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम इसके बाद।